आज राष्ट्रीय ओबीसी छात्र संघ की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र राज्य में जिला और तालुका स्तर पर ओबीसी छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास शुरू करने की मांग की गई है। इस मांग के साथ ही ओबीसी छात्रों को शत प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू करने और बीसीसीए बीबीए एमबीए और अन्य पाठ्यक्रमों में भी ओबीसी छात्रवृत्ति लागू करने की मांग की गई। इन मांगों का विवरण माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को दिया गया। इस निवेदन में ओबीसी छात्रों के लिए 1998 में केंद्र और 2002 से 2003 से प्रदेश में शत प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना लागू की गई थी, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने उन लोगों को 100% निर्वाह भत्ता और 50% प्रशिक्षण शुल्क दिया है जिनकी आय 1,50,000 से कम है। सर्कुलर के मुताबिक इस समय ओबीसी छात्रों को शत प्रतिशत छात्रवृत्ति की मांग की गई थी। पिछले 4 वर्षों से बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रावास के उपयोग से वंचित है, तथापि छात्रावासों को जल्दी प्रारंभ किया जाए और जिन छात्रों को छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिलता है उनके लिए स्वाधार योजना लागू की जाए। इसके साथ ही मांग की गई है कि बीसीसीए बीबीए एमबीए और अन्य पाठ्यक्रमों में बंद छात्रवृत्ति का शत प्रतिशत ओबीसी वर्ग के छात्रों को दिया जाए।